आपको एक्सप्लेन करूं। अब डिफरेंट एक्सेस टोमेटाइटिस में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक माइनर रिकरेंट एब्सेस टोमेटाइटिस होते हैं, रिकरेंट एब्सेस टोमेटाइटिस, इसके भी एक माइनर होते हैं रिकरेंट एब्सेस टोमेटाइटिस, एक होते हैं मेजर रिकरेंट एब्सेस टोमेटाइटिस। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो हमारे पास माइनर रिकरेंट एब्सेस टोमेटाइटिस होते हैं वो क्या होता है, वो मोस्ट कॉमनली होते हैं और ये ज़्यादातर, सॉरी कैमरा फोकस नहीं हो रहा, मोस्ट कॉमनली होते हैं और ये ज़्यादातर क्या होता है, ये 80% पेशेंट्स में जिनमें इसका लीजन होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। 56% अगर मैं बात करूँ तो ये फीमेल्स में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इनकी एज ड्यूरेशन क्या है, 10 to 19 ईयर्स में होते हैं। स्मॉल अल्सर्स होते हैं, 1 to आप कह सकते हैं 1 to 5 मतलब 1 to 5 इन नंबर्स होते हैं। अगर इसका छोटे से छोटा साइज़ भी देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 5 डॉट्स हमें नज़र आएंगे बक्कल साइड पे या लेबियल साइड पे, या आपके टंग एरिया में हमें इसके नज़र आएंगे। ठीक है, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड इन अल्सर्स को देखें कि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कहाँ पे पाए जाएंगे, मतलब ज़्यादा मिकदार में कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये ज़्यादातर फेरिंग्स में या टॉन्सिलर एरिया में या एंटीरियर पार्ट ऑफ माउथ में पाए जाएंगे, इंटीरियर पार्ट ऑफ माउथ वहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, और इनकी जो सेंसेशन होगी हमें वो किस तरह होगी, मतलब एक पेशेंट को अगर ये अल्सर है तो वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस करेगा, उसके बर्निंग होगी, इसके अलावा उसको बोलने में जब प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पे लेस एपिथीलियम होगी इन जहाँ भी ये अल्सर्स होंगे उस, और उस एपिथीलियम का डायमीटर जो होगा वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा, और साइज़ क्या होगा।